सभी भाइयों और बहनों को, साधकों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो हमारा चौथे साल में आज प्रवेश कर चुका है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो हमारे इसको विश्व योग दिवस के नाम से पहचान दिलाई है और पूरे विश्व में 192 देशों में आज एक साथ एक टाइम योग दिवस हमारा मना है, सभी को बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम बधाइयां। लेकिन जो मन की शांति है वो हमें खाली योग से मिलती है, तो योग हमें अपनाना चाहिए जीवन में, थोड़ा बहुत जितना भी आराम। योग के जितने फायदे हैं, करो योग, रहो निरोग। इनमें जैसे बड़ी से बड़ी और भयंकर से भयंकर बीमारी हमारे हैं, जैसे पैरालिसिस, हार्ट की प्रॉब्लम होते हैं, पैरालिस होता है, कैंसर हो जाता है, इससे मतलब इतनी भयंकर से और बड़ी से बड़ी बीमारी है जो नाम मात्र एक सूक्ष्म व्यायामों से और सूक्ष्म प्राणायाम से हम इसको नाम मात्र कुछ ही टाइम में और कुछ ही दिनों में हम उसको ठीक कर सकते हैं। इससे बड़ा और कोई फायदा हो ही नहीं सकता योग का। हमने बहुत से लोग देखे हैं जिनको चलने की, उठने की, बैठने की, कैंसर की, पैरालिसिस की इतनी बीमारियां होती हैं और खाली वो एक 15-20 दिन, एक महीने के नाम मात्र अभ्यास से, सूक्ष्म व्यायामों से बड़ी और भयंकर से भयंकर बीमारी से भी वो निजात पा सकता है और ठीक हो जाते हैं।